चंगाई। धर्मी पर बाहर से विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस घड़े में वे पड़े हैं उससे निकालता है। तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की यही वाणी है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। कि यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। और जाते जाते ही वे शुद्ध हो गए। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ, अपना बिछौना बना। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है।